ये क्यों शोर मचा रही हैं? जरूर आसिम भाई मेरी हिमायत में कुछ बोल पड़े होंगे। अच्छा तुम परेशान मत होना, मैं मना लूंगा उनको। तुम बस उनके सामने नॉर्मल रहना। अच्छा बात करता हूँ। Come on, please cheer up. आसिम क्या कर रहे हो तुम? नीचे इंतजार कर रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे तुम? यहाँ खड़े हुए हो। भाई मैं क्या करूँ, ये बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों दी, चाय पीने का मूड नहीं है? जहर का मूड है, वो ला दो। क्या हो गया दी, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? तुम लोगों पे बोझ बन गई हूँ ना मैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कहाँ से बोझ है आप? तो माओ की तरह पाला है हमें। वो सब तो तुम लोग भूल गए हो। नहीं तो दी, हम इतने छोटे भी नहीं थे कि हम भूल गए हो सब कुछ। अच्छा चले ना, आपका इंतजार कर रहे हैं, चले आए। मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। क्यों नहीं खाया दी? इसीलिए तो मोना ने समोसा और पकौड़े बनाए हैं आपके लिए। अब वो भी ठंडे हो गए होंगे। चले ना दी, क्या हो गया? नहीं जाना मुझे। चले ना। देखिए आप नहीं आएंगे ना तो एक नवाला नहीं उतरेगा हमारे अंदर। इतने मजे मजे के पकौड़े समोसे बनाए मोना ने, और साथ में आपकी वो स्पेशल वाली चटनी भी है। चले ना प्लीज। दी आपसे एक बात करनी थी। कैसी बात? वो दरअसल अब दरअसल क्या? एक लड़की है निम्रा। कौन सी लड़की? कैसी लड़की? कहाँ मिली तुम्हें? ये ऑफिस में काम करती है मेरे साथ। हाँ सर, तुम ऑफिस में काम करने जाते हो या लड़कियों से आंख मटका करने? नहीं नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे मुझे अच्छी लगती है वो। अच्छी लगती है? शर्म नहीं आती? बड़ी बहन और छोटे बहन भाइयों के सामने ये लव रोमांस की बातें कर रहे हो? दी क्या हो गया, मतलब किसी को पसंद करने में क्या प्रॉब्लम है? तुम चुप करो ना तुम। दी देखें, अब कहने का मतलब ये है कि आप बड़ी हैं ना, इस करके मम्मी होती तो वो ये सब करती। अब आप हैं तो आप ही को करना है ना। आप चलेंगी, आपको पसंद आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है, पहले मैं उस लड़की और उसके घर वालों को देखूं। अच्छी लग गई तो हाँ, और अगर नहीं लगी तो ना। फुल एंड फाइनल, समझ गए? मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी।